हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है KBC केशव भानु क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया हो जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स क्या होती है, वंशागति क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने मेंडल के बारे में कुछ बात की थी कि मेंडल का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसने जो अपना निष्कर्ष प्रकाशित किया वो कौन से सन के अंदर किया। ठीक है, कौन सी डिजीज के कारण उसकी मृत्यु हुई और उसने अपना प्रैक्टिकल किस पर किया था, तो किस पर किया था, उद्यान मटर, ध्यान रखना। ठीक है, पाइसम सेटाइवम पर किया था, जंगली मटर पर नहीं किया था। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद वहां पर तीन वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने मेंडल के कार्य की वापिस रिसर्च करना स्टार्ट किया। कौन कौन से थे? हॉलैंड के ह्यूगो द ब्रिज, जर्मनी के कॉल कोरेंज और ऑस्ट्रिया के वॉन सेरमॉक। ठीक है, ह्यूगो द ब्रिज ने काम किया था इवनिंग प्रिमरोज पर, कॉल कोरेंज ने काम किया था मक्का पर और वॉन शेरमॉक ने काम किया था मटर पर। काफी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है तीनों के तीनों और इन पर सवाल एक दो आ जाता है कभी कभी। तो पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, जो नए हैं वो पहले पिछली क्लास देखें, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपके कोई कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जिसके बिना जेनेटिक्स को समझना इम्पॉसिबल है। इसके बिना हम जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आज का, जहां पर हम इतनी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे ताकि हमारे जेनेटिक्स है वो हमारे क्लियर हो जाए और इनके बिना हम जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते, ये आप नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। हेडिंग डाल लीजिए सम टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं शब्दावली। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता आपका। तो सबसे पहली परिभाषा है वो आती है क्लोन की। यहां पर एक बात और करूंगा कि यहां पर जो मैं लिखा रहा हूं वो आप जितना हो सके वो आप इंग्लिश में वर्ड याद रखिए, क्योंकि हिंदी में काफी वर्ड डिफिकल्ट है, ना तो वो बोला जाएगा और ना ही आपसे याद होएगा। तो आप जितना हो सके, जितनी आप मेहनत कर सके वो इंग्लिश पर करें और इंग्लिश में ही आप नाम याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारे पास क्लोन, कि क्लोन किसे कहते हैं। बहुत बार आया हुआ परीक्षा के अंदर कि क्लोन क्या होता है, या ऑप्शन में कभी आ जाता है क्लोन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अलैंगिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। से उत्पन्न संतति। क्लोन किसे कहते हैं कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है उसे क्या कहते हैं, क्लोन। या अलैंगिक जनन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन क्यों कहा, क्योंकि जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये जब डिवाइड होगा तो ये वापस अपने ही जैसा एकदम डिट्टो कॉपी। ठीक है, यहां लिख लीजिए कॉपी, एकदम जैसा खुद है वैसा का वैसा अपने संतान बनाएगा, एकदम कॉपी बनाएगा, ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा ना वो कुछ अलग दिखाई देगा। जैसा पहले था वैसा ही वैसा बाद में भी दिखेगा, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये उसका फादर है और ये उसका सन है, एकदम डिट्टो जुड़वा दिखेंगे। ठीक है, तो जुड़वा दिखेंगे। तो क्लोन वर्ड जहां पर आता है, कहां पर आता है क्लोन वर्ड, जहां पर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ये क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये जो संतान बनी है वो अपने पेरेंट्स की मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसे होगी, सेम होगी। मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि बाहर से दिखने में एकदम सेम होगी, और जेनेटिकली मतलब अंदर से दिखने में भी अपने पेरेंट्स के एकदम बिल्कुल सेम होगी, यानी जैसा खुद पेरेंट्स है वैसी की वैसी संतान ही बनाएगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स अंधा है तो वो संतान भी अंधी होगी, कहने का मतलब। ठीक है, मतलब जैसा खुद है वैसा ही वैसा अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर जैसा खुद है और वैसा का वैसा प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, ये है क्लोन। क्या बना, क्लोन। क्लोन मतलब
एक दूसरे की कॉपी बनाना। तो कॉपी कहाँ पर बनेगी? अलैंगिक जनन के अंदर बनेगी, ध्यान रखना। लैंगिक जनन में कॉपी नहीं बनेगी, क्योंकि लैंगिक जनन होगा तो उसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या आएगा? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वेरिएशन। तो वेरिएशन आएंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्लोन नहीं कहेंगे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग नहीं होती, क्रॉसिंग नहीं होगी, तो प्रोडक्ट एकदम जैसा फर्स्ट पीढ़ी में था वैसा का वैसा सेकंड पीढ़ी में बनेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन। समझ आया? तो इसको बोलते हैं क्लोन, पहली परिभाषा। यहां पर परिभाषा में आता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले उत्पादों का समूह क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्लोन मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसे होते हैं? अपने पेरेंट्स के एकदम डिटो सेम, ठीक है, ये ध्यान रखना। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास आता है ऑफ स्प्रिंग। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, ठीक है, काफी डिफिकल्ट है, तो आप इंग्लिश में याद रखना। ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? कि लैंगिक जनन से जो संतति बनती है, लैंगिक जनन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति या प्रोडक्ट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग। अगर लैंगिक जनन के द्वारा कोई संतति पैदा हो रही है तो उन संततियों को हम क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग। अब ये ऑफ स्प्रिंग है, ये दो प्रकार की हो सकती है। एक को हम बोलेंगे सिबलिंग, क्या बोलेंगे? सिबलिंग। और एक को बोलेंगे ट्विंस। एक को क्या बोला? सिबलिंग। और एक को बोला ट्विंस। सिबलिंग किसे कहते हैं? कि समान पैतृक के द्वारा अलग अलग गर्भावस्था से उत्पन्न संतति, ठीक है, समान पैतृक द्वारा अलग अलग गर्भावस्था से उत्पन्न संतति। और इसमें क्या हो जाएगा? समान पैतृक के द्वारा एक ही गर्भावस्था, समान पैतृक द्वारा एक ही गर्भावस्था से उत्पन्न संतति। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि मैं हूं और मेरी एक सिस्टर है या ब्रदर है, ठीक है, तो वो हमारे दोनों के मम्मी पापा क्या है? सेम है, समान पैतृक है। लेकिन हमारा जो जन्म है वो अलग अलग सन के अंदर अलग अलग पीरियड में हुआ है, यानी अलग अलग गर्भावस्था से उत्पन्न हुआ है। तो मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों क्या हुए? सिबलिंग, ठीक है। पैतृक समान है लेकिन गर्भावस्था क्या है उनकी? अलग अलग है। मेरा जन्म 97 में हुआ है तो उसका 2000 के अंदर हुआ है, तो उसकी जो गर्भावस्था है वो अलग अलग है लेकिन पैतृक दोनों के सेम है। तो सेम है तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सिबलिंग, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, भाई व बहन, ठीक है, भाई बहन लिख लो, भाई भाई लिख लो, कोई भी लिख लो, समान पैतृक हो लेकिन गर्भावस्था यानी उनका जन्म काल है वो क्या हो? अलग अलग हो, तो वे आपस में क्या कहलाएंगे? आपस में सिबलिंग। और ट्विंस, ट्विंस जैसे इसको हिंदी में आपको पता है क्या कहते हैं? जुड़वा, ठीक है। तो जुड़वा क्यों कहेंगे? कि समान पैतृक हो और गर्भावस्था भी क्या हो? एक ही हो, यानी एक साथ ही पैदा हो, ठीक है। जैसे मेरा जन्म मान लो 10 बजे हुआ है तो 10 बजे ही साथ में एक और पैदा हो जाए तो हम दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ट्विंस, यानी कि क्या बोलते हैं कि भाई जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए कब बोलेंगे? कि समान पैतृक हो और गर्भावस्था भी क्या हो? एक ही हो, ठीक है, एक ही टाइम पर दोनों बच्चे पैदा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्विंस, ठीक है। यहां पर लिख दे जुड़वा बच्चे। समान पैतृक हो और गर्भावस्था भी क्या हो? एक ही। अलग अलग गर्भावस्था के अंदर हो रहा है तो सिबलिंग, एक ही गर्भावस्था में हो रहा है तो
ट्विंस। और लैंगिक जनन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। लैंगिक जनन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। तो बोलेंगे क्या क्या ट्विंस ऑफस्प्रिंग है, बिल्कुल है। तो क्या सिबलिंग ऑफस्प्रिंग है, बिल्कुल है ठीक है, क्योंकि ये लैंगिक जनन के द्वारा बन रहे हैं। और अगर अलैंगिक जनन से बनेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बना ये, क्लोन बना। क्लियर है, ये तीनों परिभाषाएं आपको वर्ड समझ आ गए, क्लोन किसे कहते हैं, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, सिबलिंग किसे कहते हैं और ट्विंस किसे कहते हैं। क्या बातें डिस्कस होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनोटाइप। थर्ड नंबर पॉइंट फिनोटाइप। हिंदी में इसको यूं लिखते हैं, ठीक है, फिनोटाइप किसे कहते हैं। तो बोलेंगे लक्षणों के बाह्य स्वरूप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। लक्षणों के जो भी करैक्टर होता है उसका जो एक्सटर्नल हम जो देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो लक्षणों के बाह्य स्वरूप को फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। लक्षणों के बाह्य स्वरूप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब एग्जांपल के द्वारा आपको समझते हैं। जैसे अगर मैं किसी को देखता हूं, अगर वो काला है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई तू दिखने में कैसा है, काला है। अगर वो गोरा है तो क्या बोलेंगे कि भाई वो गोरा है, ठीक है। अगर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो क्या बोलेंगे कि यार वो तो बहुत लंबा है, ठीक है। अगर वो कद में छोटा है तो क्या बोलेंगे कि भाई ये तो बोना है। यानी जैसा हम देखते हैं बाहर से, जैसा वो दिख रहा है उस हिसाब से हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं कि हम किसको डिसाइड कर रहे हैं, हम उसके फिनोटाइप को डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर है। अगर मैं आपको काला दिख रहा हूं तो आप मुझे क्या बोलोगे, काला है। गोरा दिख रहा हूं तो गोरा है। अगर आपको हाइट में ज्यादा दिख रहा हूं तो आप बोलोगे तो बहुत लंबा है। अगर हाइट में बहुत कम दिख रहा हूं तो बोलेंगे बोना है। तो जो भी आपको बाहर से दिखता है उस हिसाब से जो आप अपने टर्म यूज करते हैं, लंबा, काला, गोरा, बोना, उसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जेनेटिक्स की भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। यानी लक्षणों के करैक्टर के बाह्य स्वरूप यानी एक्सटर्नल फीचर को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जैसे कि लंबा, काला, गोरा, ठीक है, बोना, ये सारे क्या हो गए इसके, लाल, पीला, अनंत एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसा आपको बाहर से दिख रहा है उस हिसाब से आप उनको टर्म दे रहे हो, वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। सिंपल सा है। फोर्थ आता है जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। तो इसको क्या कैसे कहेंगे कि लक्षणों के लिए उत्तरदायी जो जीनियस स्वरूप है, ठीक है, जिन्हें जीन्स कंट्रोल करते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो लक्षणों के लिए उत्तरदायी, लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनियस संगठन, संगठन कह दो या जीनियस स्वरूप कह दो, ठीक है, एक ही बात है। तो लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनियस संगठन को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनियस संगठन। अब आपको पता है, थोड़ी बहुत आपने साइंस पढ़ी है, तो हमारे जितने भी करैक्टर हैं उसको कौन डिसाइड करते हैं, जीन। कौन डिसाइड करते हैं, जीन डिसाइड करते हैं कि भाई ये बंदा लंबा होगा या छोटा होगा, ये काला होगा या गोरा होगा, ये आपके मजबूत शरीर का होगा या पतला दुबला होगा, ठीक है, इसकी जो आपके किडनी है वो कहाँ पर होगी, लीवर कहाँ पर होगा, दिल कहाँ पर होगा, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी, ये सारे के सारे फैक्टर्स यानी हमारे जितना भी शरीर का निर्माण होता है वो शरीर का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। जीन उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम उसके जीनोटाइप की बात करेंगे तो सॉरी उसके जो लक्षण है उसके लिए उत्तरदायी जीनियस संगठन की बात करेंगे तब हम बोलेंगे हम किसको डिसाइड कर रहे हैं, हम जीनोटाइप को व्यक्त कर रहे हैं जेनेटिक्स की भाषा में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं, टॉल, ठीक है,
इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा टॉल, तो टॉल के लिए उत्तरदायी जीन ये संगठन है वो है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों किसको कंट्रोल करते हैं, टॉलनेस को कंट्रोल करते हैं, लंबेपन को कंट्रोल करते हैं। अगर यहां पर लिखता हूं मैं ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बोनापन, तो यहां लिखूंगा मैं स्मॉल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी है वो किसको कंट्रोल करता है, ड्वार्फ को कंट्रोल करता है। ड्वार्फ को कंट्रोल कौन करेगा, स्मॉल टी जीन। टॉल को कंप्लीट कौन आपके कंट्रोल कौन करेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर एक बात करने वाली बात है कि देखिए यहां पर एक कैपिटल है और यहां पर दो कैपिटल टी है, ठीक है, और यहां पर एक भी कैपिटल टी नहीं है, यानी कि अगर एक भी कैपिटल टी होता तो वो कैसा हो जाता, टॉल। अगर एक भी कैपिटल टी होता तो वो कैसा हो जाता, टॉल। दो आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो एक भी नहीं है, एक भी कैपिटल नहीं है, इसलिए ये कैसा रह गया, ड्वार्फ। इसको हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे जब हम मेंडल को डिस्क्राइब करेंगे, वहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है अगर हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जीनोटाइप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझ आया। यहां पर एग्जांपल लिख लीजिए, ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग के अंदर कि टॉल कैसे होगा, ड्वार्फ कैसे होगा, ये कैपिटल टी कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पर जो जीनोटाइप है उसे आप क्या कह सकते हैं, योग्यता, क्या कह सकते हैं, योग्यता। तो देखिए आप जीनोटाइप को क्या कह सकते हैं कि ये योग्यता को डिस्क्राइब कर रहा है, योग्यता को व्यक्त कर रहा है। कैसे, कि अगर कैपिटल टी होगा तो वो कैसा होगा, टॉल होगा, अगर कैपिटल टी नहीं होगा तो वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। यानी कि कैपिटल टी का होना और ना होना ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाइट को व्यक्त कर रहा है, कि भाई हाइट है वो किस पर डिपेंड करेगी, कैपिटल टी पर डिपेंड करेगी। अगर कैपिटल टी है तो हाइट ज्यादा होगी, अगर कैपिटल टी नहीं है तो हाइट कम होगी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो लंबा हो जाएगा, अगर कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, बोना, ड्वार्फ। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, जीनोटाइप, ये व्यक्त कर रहा है उसकी योग्यता को, कि उसके अंदर योग्यता है या नहीं है अपने आप को प्रदर्शित करने की। अगर योग्यता है, योग्यता है मतलब कि उसके अंदर कैपिटल टी है तो वो श्योर है वो कैसा होगा, लंबा होगा, अगर कैपिटल टी नहीं है तो वो श्योर है कैसा होगा, बोना होगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला लिखा जाता है, इसको रफ कर देता हूं मैं, यहां पर एक फॉर्मूला लिखा जाता है, फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। जीनोटाइप मतलब क्या हो गया, जीनोटाइप को आप यहां लिख सकते हो योग्यता, और एनवायरनमेंट मतलब अवसर। तो इस फॉर्मूले का कहने का मतलब क्या हो गया, और फिनोटाइप मतलब हो गया बाह्य स्वरूप, ठीक है, सही है, फिनोटाइप मतलब हो गया हमारा बाह्य स्वरूप। तो बोलेंगे इसको पढ़ने का देखिए तरीका, देखिए कि बाह्य स्वरूप है वो कब प्रदर्शित होगा, जब उसके अंतर्गत जीनोटाइप हो और उसके पास क्या हो, एनवायरमेंट हो, तब जाके वो बाह्य स्वरूप है उसका प्रदर्शित होगा। यानी उसके अंतर्गत क्या हो, योग्यता हो और उसके पास क्या हो, अवसर हो। अगर योग्यता और अवसर दोनों होंगे तब जाके वो अपना बाह्य स्वरूप है वो प्रकट कर पाएगा, समझ में आया। बाह्य स्वरूप का प्रकट होगा जब उसके पास क्या हो, योग्यता हो और साथ में उसके पास अवसर हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं नौकरी लगनी है, ठीक है, या आप फर्स्ट ईयर टीचर की नौकरी लग रहे हो, तो नौकरी लगने के लिए ये होगी हमारी नौकरी, ठीक है, नौकरी, तो नौकरी हमें कब मिलेगी, जब हमारे पास क्या हो,
योग्यता हो, प्लस हमारे पास क्या हो, वैकेंसी हो, वैकेंसी हो या हमने फॉर्म फिल किया हो। तो नौकरी आपको कब मिलेगी, जब आपके पास योग्यता हो और आपने फॉर्म फिल किया हो या आपके पास फॉर्म हो, ठीक है। वैकेंसी का क्या हो, फॉर्म हो, तभी तो आप नौकरी लग पाओगे। तो नौकरी आप कब लोगोगे, जब आपके पास योग्यता है और आपने कोई फॉर्म फिल किया है वैकेंसी का, ठीक है। वहां पर वैकेंसी का लिया, आपने फॉर्म फिल किया है और आपके पास क्या है, योग्यता है, तब आप क्या लगोगे, नौकरी लगोगे। अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट हो तो आप नौकरी नहीं लग पाओगे। जैसे मान लो आपके पास योग्यता तो है लेकिन आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया, तो आप वो नौकरी नहीं लग पाओगे। आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन आपके पास योग्यता ही नहीं है, ठीक है, टैलेंट ही नहीं है कुछ, तब भी आप नौकरी नहीं लग पाओगे। तो यानी फिनोटाइप को प्रदर्शित होने के लिए जीनोटाइप और इन्वायरमेंट दोनों का होना आवश्यक है। यानी उसके पास योग्यता भी हो और उसके पास क्या हो, बहुत सारे अवसर भी हो, तब जाके वो अपना फिनोटाइप है वो प्रदर्शित कर पाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हैं कि योग्यता है और फॉर्म फॉर्म ही नहीं भरा तो हम नौकरी नहीं लगेंगे, लेकिन फॉर्म भर गया और हमारे पास टैलेंट ही नहीं है तो भी हम नौकरी नहीं लगेंगे। क्लियर। तो इसको फॉर्मूले को आप याद रखना, कई बार सीधा चेप देते हैं फॉर आपके पेपर के अंदर कि फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट या जीनोटाइप इक्वल टू फिनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फिनोटाइप कब प्रदर्शित होगा, जब जीनोटाइप हो प्लस उसके पास क्या हो, अवसर हो यानी इन्वायरमेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो पूरे के पूरे जेनेटिक्स की क्या है, जान है। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझो आपको जेनेटिक्स आ गई। सबसे पहले बात करेंगे, मैं इसको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, और पूरा का पूरा हाई लेवल पर समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। ये क्या है, हमारी सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये है हमारे क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम को मैं निकालता हूं बाहर, तो ये है हमारे क्रोमोसोम गुणसूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणसूत्र। जो कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है। ये जो क्रोमोसोम है वो किसके बने हुए हैं, बोलेंगे डीएनए के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, डीएनए के। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्लियर। अब क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं हमेशा जोड़ों में, ठीक है, युग्म में पाए जाते हैं, आपके कपल्स के अंदर पाए जाते हैं, जोड़ों में पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे अंदर ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो 46 के अगर जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, 23 जोड़े, ठीक है। ये हमेशा क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46। तो 46 के जोड़े बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे, 23 जोड़े। इसी प्रकार बात करें मटर में, मटर में होते हैं 14 क्रोमोसोम। कितने, 14। इसके अंदर जोड़े बनाएंगे कितने बनेंगे, तो इसके जोड़े कितने बनेंगे, 7 जोड़े। क्लियर है यहां तक। सबसे तो पहली बात, सेल सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र। ये हमेशा किस में पाए जाएंगे, जोड़ों में, पेयर्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े मिलेंगे। मटर में कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं 14, यानी 7 वो जोड़ों के रूप में मिलेंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए,
ये जो क्रोमोसोम है इन क्रोमोसोम पर पाई जाती है जीन, इन क्रोमोसोम पर क्या पाई जाती है जीन। जैसे मैं यहां लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, स्मॉल ए ठीक है, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, कैपिटल एच। तो यहां पर मैंने कुछ एबीसीडी लिखी है। ए का मतलब एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीन को। तो यहां पर पर्सन आता है, सबसे पहले बात करेंगे जी, अब जीन किसे कहते हैं ठीक है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो क्या करते हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड यानी फंक्शनल जो सेगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, जीन। और वो क्या करता है, किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो लक्षणों को रेगुलेट करते हैं। ये लाइन आपके समझ में आ गई, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यानी अगर मैं बोलूं क्या जीन डीएनए से बने होते हैं, सही है ठीक है, जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, जीन, जो क्या करते हैं, हर करेक्टर या किसी ना किसी करेक्टर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिख रखा है मैंने ए बी सी डी, ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर ए से, बी से, सी से, तो ए से हमने जीन को रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर एक और लाइन इंपोर्टेंट आती है, वो क्या आती है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, कि गुणसूत्र पर जीन, गुणसूत्र पर जो जीन है वो रेखीय क्रम में विन्यासित होता है। कौन से क्रम में, रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं, गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना रेखीय क्रम, गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। रेखीय क्रम मतलब जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम है, तो यहां पर जो जीन होंगे वो इस तरीके से विन्यासित होंगे एक लाइन के अंदर। ये वाला पैटर्न सही है, जबकि ये वाला पैटर्न है वो गलत है, इस तरीके से विन्यासित नहीं होगी ठीक है। कौन से क्रम में विन्यासित होंगे, एक लाइन के अंदर विन्यासित होंगे, जबकि यू नहीं है, पैरेलल क्रम में नहीं होंगे। तो गुणसूत्र पर जीन है वो हमेशा कौन से क्रम में विन्यासित होते हैं, रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, तो जिस स्थान पर ये जीन है, जिस स्थान पर ये जीन प्रेजेंट है, मान लो बी है वो यहां पर है, ई है वो यहां पर है, एच है वो यहां पर है, तो जिस स्थान पर जीन है वो प्रेजेंट है उस स्थान को क्या बोलते हैं, लोकस, क्या बोलते हैं, लोकस। तो ए यहां पर है तो ये हो गया ए का लोकस, लोकस माने स्थान। तो जिस स्थान पर जीन प्रेजेंट है उस स्थान को क्या बोलते हैं, लोकस। समझ आया, क्रोमोसोम समझ में आ गए, जीन समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया ठीक है, और लोकस समझ में आ गया। जैसे मैंने ये ए लिखा है, तो ए मतलब ये आंख को कंट्रोल करेगा कि आंख का आकार कितना होना चाहिए, आंख का रंग कैसा होना चाहिए, पलके कैसी होनी चाहिए, ये किसको कंट्रोल करेगा, आंख को, ये आंख वाली जीन है। बी मतलब बाल को, ये बाल को कंट्रोल करेगा ठीक है, बाल की आकृति कैसी हो, उसकी लेंथ कितनी हो, उसका रंग कैसा हो, वो कहां से उत्पन्न हो ठीक है, इन सबको कंट्रोल कौन सा जीन करेगा, बी वाला जीन करेगा। तो यानी हर करेक्टर के लिए अलग अलग जीन पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर ठीक है, हमारे शरीर के दो, चाहे प्लांट का शरीर के दो,
तो सब में अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन प्रेजेंट होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कौन सा पॉइंट है? 9 नंबर था क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं समजात गुणसूत्र। अब होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो वे क्रोमोसोम जिनकी आकार, आकृति, बनावट और लोकस, ठीक है, चार वर्ड बोले मैंने, आकार, आकृति, बनावट और लोकस सेम हो वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई यहां पर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, लगभग बराबर है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? जिनकी आकार, आकृति, बनावट और लोकस, लोकस मतलब यहां पर ए है तो यहां पर ये होगा, यहां पर बी है तो यहां पर बी होगा, यहां पर सी है तो यहां पर सी होगा, यहाँ ई है तो यहाँ ई होगा, यहाँ एच है तो यहाँ एच होगा, तो उनके लोकस क्या हो गए? सेम हो गए, ठीक है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इन दोनों की क्या है, आकार सेम है, आकृति सेम है, बनावट सेम है और लोकस सेम है, तो ये आपस में क्या कहलाए? होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी प्रकार इन दोनों की बात करें तो यहां पर ये जेड वाई, जेड वाई, ठीक है, एल एम, एल एम, तो इन दोनों की आकृति सेम है, आकार सेम है, बनावट सेम है और लोकस सेम है, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? लेकिन अब इन दोनों की बात करें, एक ये और एक ये, इनका आकार अलग अलग, आकृति अलग अलग, बनावट अलग अलग और लोकस अलग अलग, तो ये कहलाएंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इंग्लिश सॉरी हिंदी में इसको बोलते हैं असमजात, ठीक है, गुणसूत्र। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? असमजात, नॉन होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? समझ में आया होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो होमोलोगस किसे बोलेंगे? जिसमें आकार, आकृति, बनावट और लोकस सेम हो वो होमोलोगस, जिसमें आकार, आकृति, बनावट अलग अलग हो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं एलील, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स का। अब हमने इतना समझा ना, अब जाके हमें एलील समझ आएगा। अगर मैं सीधा आपको एलील की परिभाषा लिखा देता तो आपको कुछ पढ़ नहीं पड़ता, और कई टीचर्स ऐसा करते हैं यूट्यूब पर सीधा एलील लिखाते हैं, तो वहां पर यह समझ में नहीं आता कि एलील सीधा बोल देते हैं युग्म विकल्पी है, पेयर जीन पेयर में पाए जाते हैं, तो पेयर में क्यों पाए जा रहे हैं? हमने अब इतना समझा है, अब जाके हमें एलील की परिभाषा है वो समझ में आएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए एलिल्स। अब हेडिंग डाल लीजिए एलिल्स। हिंदी में इसको कहते हैं युग्म विकल्पी। अब जो परिभाषा लिखा रहा हूं वो आपको एकदम दिमाग में सेट होगी। देखिए कैसे परिभाषा लिख रहा हूं मैं, समजात गुणसूत्रों, ब्रैकेट में लिख रहा हूं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले
ऐसे जीन पेयर जिनका करैक्टर व लोकस समान हो, एलिल्स कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत जनों को एलिल्स समझ नहीं आते कि एलिल्स क्या होते हैं, लेकिन हमें समझ में आएगा क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, मैंने होमोलोगस लिखा है, नॉन होमोलोगस नहीं लिखा है। पहली बात, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ऐसे जीन पेयर, पेयर मतलब युग्म, जिनका करैक्टर समान हो और लोकस समान हो। लोकस मतलब स्थान, करैक्टर्स मतलब कि वो दोनों एक ही करैक्टर को क्या करें, रेगुलेट करें। जैसे अगर आंख को रेगुलेट करें तो दोनों आंखों को करें, कान को करें तो कान को करें, बाल को करें तो बाल को करें। तो जिनका करैक्टर समान हो और लोकस समान हो वो क्या कहलाते हैं, एलील। कैसे, देखिए, ये मैंने क्या बनाया है, होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे पता चला आपको, क्योंकि इन दोनों का आकार सेम है, आकृति सेम है, बनावट सेम है, और लोकस अभी जो बनाऊंगा वो भी सेम होंगे। देखिए, यहां पर मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर स्मॉल ए लिख सकता हूँ, यहां पर कैपिटल ए लिख सकता हूँ, दोनों जगह कैपिटल ए लिख सकता हूँ, दोनों जगह स्मॉल ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहां सर आपने कैपिटल ए लिखा है, यहां पर स्मॉल ए लिखा है, तो दोनों जगह लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे भी चेंज कर सकते हैं इसको, यहां मैंने लिखा कैपिटल डी, यहां मैंने लिखा स्मॉल डी, यहां मैंने लिखा कैपिटल एफ, यहां मैंने लिखा स्मॉल एफ। तो ये आपको होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। कैसे, इनके आकार सेम है, आकृति सेम है, बनावट सेम है, और लोकस भी सेम है। यहां पर ए है तो यहां पर भी ए है, यहां पर बी है तो यहां पर भी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां डी, यहां डी, यहां एफ, यहां एफ। अगर मैं इसको यू बना देता तो ये हो जाता नॉन होमोलोगस, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इन दोनों के लोकस सेम नहीं है, इस लोकस पर ए जीन है तो इस लोकस पर बी जीन है, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन होमोलोगस, जबकि ये कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या लिखा, होमोलोगस क्रोमोसोम चाहिए, ठीक है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ऐसे जीन पेयर, ये क्या है, कैपिटल ए, ये क्या है, कैपिटल बी, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीन को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीन को, ये किसको, जीन को, ये किसको, जीन को, ये सारे क्या लिख रखा है मैंने, जीन, जो अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जीन पेयर मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपस में क्या हो गए, कैरेक्टर सेम है, क्योंकि दोनों आंख को ही कंट्रोल करेंगे और लोकस भी इनका सेम है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, एलील। क्या कहलाएंगे, एलील। समझ आया, कैपिटल बी यानी इसको ये लिखूं तो मैं साथ में लिखूंगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी ये क्या है, एलील है, स्मॉल सी कैपिटल सी ये क्या है, एलील है, कैपिटल डी स्मॉल डी ये भी क्या है, एलील है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ ये क्या है, एलील। आया समझ में, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ऐसे जीन पेयर जिनका करैक्टर और लोकस समान होते हैं क्या कहलाते हैं, एलील। बहुत जनों को समझ नहीं आता है, 99% समझ नहीं आता है कि एलील्स होते क्या हैं। आगे समझे, क्यों हमने इनको जोड़ों के रूप में लिखा, ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। अब मैं इनकी बात करूं, इनका लोकस तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनका करैक्टर सेम नहीं है। ए है वो किसको कंट्रोल कर रहा है,
आंख को, और बी है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, बाल को। ए फॉर आंख, बी फॉर बाल। तो बोलेंगे इनका लोकस तो सेम है लेकिन इनका करेक्टर है वो सेम नहीं है। तो करेक्टर अगर सेम नहीं है तो ये क्या से हो जाएंगे, नॉन एलाइलिक या नॉन एलिल्स। ये कैसे हुए, एलिल। ये हो जाएंगे नॉन एलिल या नॉन एलाइलिक जीन पेयर। क्लियर। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सी और ई की, तो ये भी क्या है, इनके तो क्रोमोसोम ही अलग अलग हो गए। जबकि एलील्स किसे कहते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये तो कैसे हो गए, नॉन होमोलोगस। तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन एलाइलिक। क्लियर हुआ, कैसे एलाइल्स नॉन एलिल्स, होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इनको मेन बात होती है, इनको जोड़ों के रूप में क्यों लिखा। ठीक है, हम यूं भी तो लिख सकते थे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, लेकिन इनको खाली कैपिटल ए कैपिटल ए, जैसे हमने लिखा मेंडल के अंदर, पढ़ा होगा आपने, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इनको हमेशा दो की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इनको तीन की फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में या पांच की फॉर्म में क्यों नहीं लिखते। क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम है वो किसमें पाए जा रहे हैं, जोड़ों के अंदर पाए जा रहे हैं, और इन पर जो जीन है वो भी सेम पाई जा रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या लिखा, जोड़ों के रूप में लिखा। अगर इनके करेक्टर और लोकस समान है तो वाइलेंस है, करेक्टर और लोकस या दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट है तो नॉन एलाइलिंग जीन पेयर है। अगर इनकी क्रोमोसोम की आकार आकृति बनावट समान है तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर बनावट ही अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, ठीक है, लोकस अलग अलग है, तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर ये क्लियर हो गया तो समझो जेनेटिक्स आ गई। अगर ये क्लियर नहीं है तो पढ़ते रहना, जेनेटिक्स आज ना ही आएगी ना 10 दिन बाद में नहीं आएगी, पेपर हो जाएगा लेकिन जेनेटिक्स समझ नहीं आएगी। तब तक ये बातें क्लियर नहीं होगी कि एलील्स किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ठीक है, क्लोन किसे कहते हैं, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, सिबलिंग किसे कहते हैं, ट्विंस किसे कहते हैं, ये सारी की सारी फिनोटाइप्स, आपके जीनोटाइप, सारी की सारी शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, तब जाके जेनेटिक्स आपकी चुटकियों में हो जाएगी। क्लियर। तो आज के लिए वीडियो को यहीं ऑफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो कल हम थोड़ी शब्दावली और बची है, कुछ टर्मिनोलॉजी और बची है 5-7, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडलिज्म, मेंडलवाद, कि मेंडल ने क्या क्या बताया था, क्या रिजल्ट निकाले थे और क्या प्रयोग किए थे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।